नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको संत रविदास जयंती के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। जिससे कि अभी आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर ही पोस्टर दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल से इस प्रकार का पोस्टर बनाकर अपना फोटो लगा सकते हैं। फोटो के नीचे देखिए, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। देखिए, आपको पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सल वेब की आवश्यकता होगी, जो आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपके मोबाइल में पिक्सल वेब पहले से नहीं है तो आप इसे प्रोसेस सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे आपको पहले डाउनलोड करके इसे ओपन करते हैं कि जैसे ही आप अपने मोबाइल में पिक्सल वेब को ओपन करोगे आपके सामने का घंटा पेश होगा। सबसे पहले आपको न्यू टेस्ट को हटाना है। इसे टाइम के ऊपर आपके यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके यहाँ पर रुके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर न्यू टेस्ट हट चुका है। अब आपको नीचे पर बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपके यहाँ पर फ्रॉम गैली का ऑप्शन दिखेगा। आपके यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको फोन की गैली ओपन हो जाएगी। फोन की गैली में आपको इस इमेज को चूज कर लेना है। मनी इमेज पहले से बनाकर रखी, जिससे आपको पोस्टर बनाने में बहुत ही आसानी होगी। आपको यहाँ पर नीचे टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैं यहाँ पर आ चुकी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो देखिए, आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को 20 सेकंड करना है और आपको अपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको गूगल में यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर KBM हेल्प लिख दिया है, कैसे आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिखकर सर्च करना है और आप किसी पहली बारी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट पहुंच के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर सभी तरीके के पोस्टर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, आपको उस इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में 346 पोस्टर लिखकर सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 346 पोस्टर लिख दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपको देख लेना है। 346 पोस्टर लिखकर यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप वहाँ पर 346 पोस्टर लिखकर सर्च करोगे आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा रविदास जयंती पोस्टर कैसे बनाए। आप किसी के ऊपर क्लिक कर देना है। आप सिंपली आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आइए। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, आपको यहाँ पर नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे जाओगे आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। देखिए, आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा। पोस्टर का बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेकेंडरी चलती दिख रही होगी। जैसे यहाँ पर सेकेंडरी खत्म होगी आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ चुका है। आप उसी डाउनलोड का बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप पर क्लिक करोगे वो वाली इमेज आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए, फिर से मैं यहीं पर आ चुका हूँ। आपको यहाँ पर फिर से यहीं पर आ जाना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन देखिए, आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यूज़ को यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है। न्यूज़ को हटा देना है। न्यूज़ को हटाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिख देना है और आप यहाँ पर रुके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर कलर का ऑप्शन देखिए, आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर व्हाइट कलर सेट करके टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर एवी फॉन्ट का ऑप्शन देखिए, आपको यहाँ पर एवी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, इसमें जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसी पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर रुके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर नाम लिख चुका है। अब आपको यहाँ पर छोटा करके इसे सही से लगा दें, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। देखिए, जिसमें मैंने यहाँ पर नाम को लिखना बताया, इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और आप यहाँ पर सोशल मीडिया का यूजर नेम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए इसी ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपनी गैली से उस फोटो को सेट कर लीजिए जिसे आपको यहाँ पर लगाना है। गैली से फोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद आप अपने फोटो का साइज सेलेक्ट कीजिए। नीचे यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, फोटो यहाँ पर आ चुका है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर पहले से हटा रखा है। अगर आप अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर हटा नहीं जानते तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। आप वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आपको फोटो को छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। देखिए, इस प्रकार से जब आपका पूरा पोस्टर बन जाए तब आपको सेव करने के ऊपर आपके यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके यहाँ पर सेव टू गैली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका पोस्टर आपके फोन की गैली में सेव हो जाएगा।